हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं कुछ नहीं, आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ। एक क्वेश्चन जो आपको आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो वो ये है कि अपने नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्ट नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए। सर कोई बुक बता दीजिए या फिर कुछ ऐसा सोर्स बता दीजिए जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। उसके लिए मैं आपको सच बताऊँ, गूगल ही बहुत है या यूट्यूब ही बहुत है, आपको किसी बुक से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना है ना, सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर थोड़ा सा ना काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए किसी स्पेशलाइज साइंटिफिक बुक की ज़रूरत नहीं है। और आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट ही है ना, तो आप ये नॉलेज वाला नहीं जो सबकॉन्शियस माइंड के नॉलेज को इंक्रीज करता है ना, वो बुक्स पढ़िए। ठीक है, जैसे कि द गोल हो गया, रिच डैड पुअर डैड हो गया, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, हाउ टू मेक अ फ्रेंड हो गया। तो ये सारी जो बुक्स है ना, ये ज़बरदस्त है। मॉर्निंग हैबिट करके आता, 5 PM क्लब आता, दीज आर द बुक्स जो कि आपके बहुत हेल्प करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर ले जाने में। और सबकॉन्शियस माइंड अगर डेवलप हो गया ना, सोचने का पूरा पैटर्न, आपका बिहेवियर पैटर्न ही चेंज हो जाता है। और आप जब मार्केट में काम कर रहे होते ना, आपका बिहेवियरल पैटर्न अगर चेंज हो गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो गया ना, आपका कस्टमर इंगेजमेंट रेशियो बढ़ जाएगा। और कस्टमर इंगेजमेंट रेशियो अगर बढ़ गया ना, धंधा पक्का बढ़ेगा, बिजनेस पक्का बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, राइट। फिर भी अभी प्रोडक्ट नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो मेरे पास में कंपनी का ये है विजुलेट, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट नॉलेज कैसे इंक्रीज किया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है ये, बट मैंने बोला ना लगन होना चाहिए। अगर वो आपके अंदर लगन है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस विजुलेट को ओपन करता हूँ। अभी फ्रेंड, जब आप ये लेके ना डॉक्टर चैम्बर के अंदर मतलब डिटेलिंग करने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर चैम्बर में जाने से पहले जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ आपके पास में टाइम होता है, उसी टाइम को यूटिलाइज करना है। आप सो घर पे कभी ओपन करके नहीं पढ़ेंगे ना तो भी चलेगा। उतना ही अगर जो इस टाइम आप फील्ड में जाते हैं और जब फील्ड में से आते हैं, बस फील्ड में अगर आप इसमें पढ़ लीजिए जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इतना अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज जो होगा वो नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा। और ये सिंपल स्टेप बहुत ही ईजी है, मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर यूज़ किया है। जो भी प्रोडक्ट नॉलेज रहा है आज तक, किसी भी इंटरव्यू के अंदर फेल होकर नहीं आया हूँ आज तक। जितनी भी कंपनीज के अंदर काम किया हूँ सब के अंदर बेस्ट डिटेलिंग का अवार्ड पाया हूँ। अगर रिटन टेस्ट हुआ होगा तो वहाँ पे टॉप में नाम जरूर आया होगा, उसका भी प्राइज अपने साथ लेके आया हूँगा, राइट। नॉलेज रिलेटेड कंपनी के अंदर, जिन भी कंपनीज के अंदर काम किया हूँ, कोई भी एक्टिविटी हुई होगी, टॉप में नाम हमेशा ही दर्ज कराया मैंने अपने कैरियर के अंदर, राइट। एज वेल एज गोल्डन RBM भी रह चुका हूँ मैं। तो दीज आर द माई एक्सपीरियंस जो लास्ट 10 ईयर के अंदर मैंने अचीव किया है, वो नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही सिंपल इजी स्टेप है। अब यहाँ पे मैं एक ब्रांड खोलता हूँ जिसका नाम है पेंटा प्रोजोली। अब ये बहुत ही कॉमन ब्रांड है, आप ऐसे ही दूसरे ब्रांड के साथ अप्लाई कर लीजिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो पैनफॉर्म DSR लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी मत जाइए कौन सा क्या है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी यहाँ पे क्या है, पैनफॉर्म आपके पास कोई सा भी ब्रांड है, अगर मैं इसी ब्रांड का एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे अभी इसका मुझे प्रोडक्ट नॉलेज में जो पेंटा प्रोजोल का रेविप्राजोल का मुझे नॉलेज इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम पहला देखिए क्या करेंगे, पहला अगर यहाँ पे देखेंगे एक लिखा है रेनिंग एसिड, ठीक है। तो हमारा सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे जो विजुलेट है उस विजुलेट के अंदर कौन से ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिसका नॉलेज मुझे नहीं है, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए जिससे आप ये सारे वर्ड्स को पढ़ सको, एटलीस्ट इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो रेनिंग एसिड, तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं डॉक्टर चैम्बर में जाने वाला हूँगा, वेटिंग एरिया में बैठा रहूँगा, जाने वाला नहीं, जब वेटिंग एरिया में बैठा रहूँगा तो मैं गूगल करके देखूँगा ये रेनिंग एसिड क्या चीज़ होती है, रेनिंग एसिड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हो जाता है ये, और इसको ये ठीक कैसे होता है। तो ये चीज़ मैं जाना, तो ये मेरा लाइन पहला वाला, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेनिंग एसिड इन स्टमक, अब मुझे ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ मुझे भाई स्टमक लिखा हुआ है, स्टमक होता क्या चीज़ है मैं पता लगाऊंगा, मैं गूगल करूंगा। एक तो मैं जानता हूँ यार एक स्टमक होता है जहाँ पे SCL सिक्रीशन होता है, इतना मुझे कॉमन सेंस से पता है, लेकिन उस स्टमक के अंदर और क्या क्या एक्टिविटी होती है, एसिड सिक्रीशन कैसे होता है, कौन से ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं, प्रोटॉन पंप क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, एंटासिड कितने टाइप का होते हैं,
एड्स से रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारी होती हैं। जब गूगल पे आप पढ़ते हो तो एक चीज़ खोलते हो, दो तीन चीज़ें और वहाँ पे मिल जाती हैं। तो ऐसे ही क्या क्या करना है आपको, ये टर्मिनोलॉजी सर्च करना है। फिर अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, पैनफॉर्म डीएसआरआर, मैंने देखा पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन पड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये एंटासिड है, ये एसिड को रिड्यूस करता है, एसिड को ख़त्म करता है, लेकिन ये ख़त्म करता कैसे है ये भी मुझे नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं गूगल पे सर्च करूँगा कि यार पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन, दो चीज़ पड़ी हुई। तो पेंटाप्रोजोल पहले क्या होता है, किस कैटेगरी का साल्ट है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है। अब आप इसको पढ़ते रहेंगे, जो जो आपको अच्छा लगता रहेगा, समझ में आता रहेगा, उसका स्क्रीनशॉट लिया, मोबाइल के अंदर सेव करके रख दिया। कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस सेव करके रख दिया, पिक्चर में गैलरी में चला जाएगा स्क्रीनशॉट। जब जब आपको मौका मिलेगा तब तक दोबारा उसी चीज़ को पढ़ना, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, एक महीने तक लगातार पढ़ते रहे, और फिर दोबारा जब कभी ज़रूरत पड़ी तो पढ़ते रहे, आपको याद हो जाएगा। पेंटाप्रोजोल क्या होता है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है GR, पेंटाप्रोजोल क्या क्या, मैं देखूँ ब्रैकेट में, यहाँ देखिए GR दिया हुआ। अभी GR क्या चीज़ होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। अभी गैस्ट्रो रेजिस्टेंट क्या चीज़ होती है वो हम समझेंगे। इसके आगे डोमपेरिडोन लिखा होता है, डोमपेरिडोन क्या होता है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है। इसके आगे लिखा है PR, अभी PR क्या चीज़ होता है, PR का फुल फॉर्म क्या होता है, PR का मतलब प्रोलॉन्ग रिलीज। अभी प्रोलॉन्ग रिलीज मेडिसिन होती कौन सी हैं, इसके बाद मैं समझूंगा ये GR एंड PR क्यों दिया हुआ है। पेंटाप्रोजोल को गैस्ट्रो रेजिस्टेंट दिया हुआ है, डोमपेरिडोन को प्रोलॉन्ग रिलीज में दिया जाता है, ये दोनों को ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करके क्यों दिया जा रहा है, इसको मैं गूगल पे पढ़ूंगा। अभी ये सब नॉलेज ना गूगल के अंदर है, यूट्यूब पे है। इसके बाद पेंटाप्रोजोल में देखा फास्टेस्ट एसिड सुप्रेसेंट, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड मेड इन द स्टमक, एंड एफिकेसियस एंड सेफ रेजिमेन फॉर द एच पाइलोरी इरेडिकेशन। अभी एच पाइलोरी क्या चीज़ होती है, इसको हम और पढ़ेंगे कि एच पाइलोरी कौन सी चीज़ होती है, इरेडिकेशन क्या होता है, अल्सर हीलिंग दिया गया या अल्सर क्या होते हैं, इसकी हीलिंग कैसे होती है, क्या सिर्फ यही मेडिसिन से हीलिंग होती है, अल्सर की हीलिंग के लिए और भी मार्केट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद मैं डोमपेरिडोन के बाद पढ़ूंगा कि डोमपेरिडोन इंक्रीज द GI एम्पटिंग टाइम। अभी ये GI क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एम्पटिंग टाइम क्या होता है, ये भी मैं पढ़ूंगा, ये सब गूगल के अंदर मिलेगा आपको। इसके बाद है इंक्रीजिंग पेरिस्टैटिक टोन। अभी पेरिस्टैटिक टोन क्या होता है, ये क्या कौन सी बला है जो दी होती है। रिलीफ नौजिया एंड ओमिटिंग, नौजिया एंड ओमिटिंग क्या होता है, कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इसका कंट्रोल कहाँ से होता है। ये ब्रेन से एक सेंटर होता है जहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है, लेकिन वो ब्रेन का सेंटर कहाँ पे होता है, कैसे ये मैकेनिज्म होता है, ये चीज़। करेक्ट मोटिलिटी एंड इंक्रीज द LES होता है लोअर इसोफेगल इंस्पेक्टर। अभी लोअर इसोफेजियल जो इंस्पेक्टर होता है ये क्या चीज़ होती है। इसके अलावा फिर यहाँ पे और इंडिकेशन के नाम दिए हैं, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी, GRD, डिस्पेप्सिया। अभी ये हाइपर एसिडिटी कौन सी चीज़ होती है, GRD कौन सी चीज़ होती है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है। बस मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, इतना ही फ्रेंड अगर आप पढ़ लोगे ना तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अपने मैनेजर और मैं सेकंड लाइन मैनेजर तक बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आप निकल जाओगे नॉलेज के मामले में। अगर सीरियस होके इन सारी चीज़ को स्टडी कर लिया आपने तो हर एक ब्रांड के अंदर ऐसे ही होता है, और स्टडी कंटिन्यूस करते रहेंगे, जब आप कंटिन्यूस करते रहेंगे डॉक्टर को बता पाएंगे। ये मैंने आपको एक ऐसा ब्रांड बताया, ऐसे ही सारे ब्रांड के अंदर करना होता है। प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जैसे मैंने बताया कि पेप्टिक अल्सर में मान लो डोमपेरिडोन या पेंटाप्रोजोल हेल्प कर रहा है, लेकिन उसी बीमारी में और कौन कौन से ऑप्शन से जो अवेलेबल हैं, ये भी आपको वहीं गूगल पे ही मिल जाएगा। अल्सरेशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे ठीक होता है, उसको कौन से ऑप्शन है, क्या एक सिर्फ पेंटाप्रोजोल ही एक ऑप्शन है या दूसरे ऑप्शन है। तो जब एक ब्रांड को आप पढ़ोगे उसमें बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई मिल जाती हैं। तो जैसे जैसे आपको मौका मिलता रहे डॉक्टर्स के चैम्बर में जाने से पहले वेटिंग एरिया में व्हाट्सएप स्क्रॉल करना बंद कर दो, फेसबुक स्क्रॉल करना बंद कर दो, शॉर्ट वीडियो जो नाम के शॉर्ट है पूरे घंटे चट कर जाते हैं जो, उसको बंद कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में एक अलग फोल्डर बना लो, उसके अंदर डाल दो, जब भी आपको मौका मिलता है आप उसको पढ़ लो। इसके अलावा बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मान लो पेप्टिक अल्सर है, एसिड कैसे होता है, इसका वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। उस यूट्यूब वीडियो को MP3 फाइल में डाउनलोड कर लो और उसको जब भी आप कभी ट्रैवलिंग करते हैं या पढ़ने का मन नहीं करा, कान में लगाया लेट के आराम से सुनते रहे, और सुनते सुनते ही उसको मन के अंदर थोड़ा मंथन किया, मंथन करने के बाद सो गए आराम से। ये एक प्रैक्टिस है,
जैसे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो शूट करते हुए टाइम क्या है आपको मालूम है? ये रात के 4 बज रहे हैं, रात के 4 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इससे पहले 4-5 वीडियो मैं और शूट कर चुका हूँ, राइट। और मेरा गला भी बहुत साथ मेरा नहीं दे रहा है, लेकिन क्या है, मेरा ये पैसन है, मुझे ये अच्छा लगता है करना, बिकॉज अब दैट रीजन मैं ये कर रहा हूँ। वैसे वो शॉर्ट वीडियो जो आप व्हाट्सअप या फेसबुक चलाते हो ना, आपका पैसन है, आपको अच्छा लगता है, बिकॉज जब दैट रीजन आप उसको चलाते हैं, ये हैबिट इतनी जल्दी से दूर नहीं होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन अगर रियली आप फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो ना, क्योंकि ये व्हाट्सअप ये सारी चीज़ आपके साथ नहीं जाने वाली, अगर आपको कोई चीज़ साथ लेके जानी है तो वो आपका नॉलेज है, उसको बढ़ा लिया ना, अपने आप ग्रो करते चले जाओगे, अब फिर इस व्हाट्सअप और ये सब स्क्रॉल करते रहना आप जो है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दो इन चीज़ों को, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, बट उसके साथ में जो एजुकेशन होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए ना, वो यहाँ से मिलता है। ये नॉलेज आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो गया। इसके अलावा अगर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज ए एरिया मैनेजर आप काम कर रहे हैं, तो आपको और भी चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको बुक्स बताया, वो वाली बुक्स, वो बुक्स पढ़ेंगे ना, आपका बिहेवियरल चेंजेज होंगे। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेज हो गया, लीडरशिप स्किल हो गया, आपको बुक्स मिल जाएगा, प्रोडक्ट नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा जो तरीका बताया। तीसरा नॉलेज कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है हमें ग्रो करने के लिए, एज ए मेडिकल रेप आप काम कर रहे हैं, वो होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब ये कहाँ से पता चलता है, ये भी गूगल के अंदर ही फ्रेंड। सपोज दैट आपको लीव के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है अपनी कंपनी में, अभी ये एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, एक फॉर्मल लीव, हाउ टू राइट अ फॉर्मल लीव एप्लीकेशन, गूगल के अंदर डाल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, 4-5 हमने ढूंढ लिया, और उसमें 4-5 जो हमें अच्छा लगा उसमें से 4-5 कॉपी करके अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर रख दिया, एक यूज कर लिया, बाकी आगे के लिए रख दिया। हाउ टू राइट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेल, हाउ टू राइट अ मेल फॉर द मैरिज लीव, हाउ टू राइट अ मेल फॉर द इलनेस, हाउ टू राइट अ मेल फॉर द सैलरी डिडक्शन, हाउ टू राइट अ मेल फॉर द एक्सपेंस डिडक्शन, इस टाइप के करके आप बहुत सारा सर्च कर सकते हैं, जो जो प्रॉब्लम आपको आती है। अपने मन से मेल लिखने जा रहे हैं तो आप हाउ टू राइट कंपनी लीविंग एप्लीकेशन, हाउ टू राइट क्या बोलते हैं जब जॉब छोड़ते हैं, जॉब छोड़ने क्या बोलते हैं, जॉब लीविंग तो बोलते हैं, एक और वर्ड आता है, जो भी आता है ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप सर्च करोगे ना गूगल में, बहुत स्टैंडर्ड बहुत अच्छा फॉर्मेट आपको खुल मिलेगा। हाउ टू राइट अ जॉब अप्लीकेशन, हाउ टू राइट अ कवरिंग लेटर, हाउ टू राइट अ कवरिंग मेल, तो ये सारी चीज़ें भी आप गूगल, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपको सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, वहाँ से पिक करनी है अपने काम की चीज़ें। अभी मैं अपनी कंपनी में जब भी रिजाइन लेटर की मैं बात कर रहा था, रिजाइन लेटर मेरा स्पेशल है, पूरा पैराग्राफ मैं लिखता हूँ जिस भी कंपनी के अंदर रिजाइन करता हूँ, और वो रिजाइन लेटर जब कोई देखता ना, दिल खुश हो जाएगा, और उसको ये कैसा फील होगा, एक अच्छा एम्प्लॉई मैंने खो दिया, इस टाइप का मेल होना चाहिए। अंडरस्टैंड, आपका रिज्यूम कोई पढ़ता नहीं है, रिज्यूम का कवरिंग लेटर इस टाइप्स का होना चाहिए जिसको लोग देख के ही, अब ये बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब ये सारी चीज़ें आराम से वहाँ सीख सकते हैं, कहीं जाके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 3 टाइप की नॉलेज हमें इंक्रीज करनी होती है, पहला बिहेवियर लीडरशिप जो कि मैंने आपको बताया, दूसरा आपको बताया जो प्रोडक्ट नॉलेज होता है या डिजीज़ का नॉलेज, मैं प्रोडक्ट नॉलेज या डिजीज़ नॉलेज बोलोगे ज़्यादा बेटर है, एंड तीसरा यस आपका जो होता है कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड यह अच्छा लगा होगा, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा। बाय।